नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। इस वक्त मैं बनारस में हूँ, बनारस के आवास विकास कॉलोनी में पहुँचे हैं, थाना लालपुर अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ आप जो देख रही हैं, एक माँ बैठी हैं, इनकी बेटी ने 12 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया है। बहुत जिद और 50 रुपये के लिए उस बेटी ने सुसाइड किया है। आइए पहले माँ से पूछते हैं, एक माँ का दर्द क्या होता है बेटे के लिए, तो आज आपको पता ही है। और एक माँ आज बताएंगी कि बेटी के जाने का कितना दर्द है इन्हें। मैं पहले बता दूं कि मात्र 50 रुपये के लिए 12 साल की बेटी ने सुसाइड किया है। ये बताइए कि आपकी बेटी का क्या नाम है? पूजा कुमारी था। पूजा कुमारी कितने साल की थी? 12 साल की थी। देखिए, 12 साल की थी, उन्होंने सुसाइड क्यों किया? 50 रुपये का थी। 50 रुपये के लिए? 50 रुपये के लिए जिद करे थी, लेकवा से लेकवा नहीं दी, इसी खातिर अपन जान दिए। हम क्या करेंगे बताइए, हम तो गरीब आदमी, हम लोग तो नए आदमी है, नहीं कोई है। चारटे बच्चा का हम पालते थे, झाड़ू पोछा बर्तन करके हम खियाते जियाते, किराया भरा सब कुछ देते। कहाँ रहने वाली हैं? दरभंगा का सर हम। देखिए, बिहार की हैं, रोजी रोटी की तलाश में परिवार को लेकर अपने परिवार सहित बनारस में आई और यहीं से इनकी रोजी रोटी का जो है कि जुगाड़ होने लगा। और कहीं ना कहीं इनके साथ आज किस्मत ने करवट लिया, आज ये परेशान हो गई हैं। इनके पति का भी डेथ हो गया, बता रही हैं। पति का भी डेथ हो गया? पति का डेथ हो गया है। काफ़ी आप देख सकते हैं, माँ का रो रो के बुरा हाल है। इनसे सवाल अब नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो जिद में अड़े हुए हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर जिद में अड़े हुए हैं और जिद में कहीं ना कहीं गलत कदम उठा ले रहे हैं। मेरा गुजारिश है बच्चों से कि कम से कम अपने माँ बाप को देखें, उनके दुख दर्द को समझें और इतना जिद ना करें कि ज़िंदगी हाथ से निकल जाए। मैं आप देख सकते हैं कि माँ का बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि बेटी जो इनकी बड़ी बेटी थी, वो 12 साल की थी, पूरा घर का काम का संभालती थी, पढ़ाई करती थी, घर का काम का संभालती थी। पढ़ाई भी करती थी कि छोड़ दी थी? पढ़ाई छोड़ दी थी सर, पढ़ाई नहीं कर रही थी। पढ़ाई छोड़ दी थी और जो है कि वो बेटी ने सुसाइड कर लिया। आज कहीं ना कहीं एक माँ के लिए समस्या बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज उस बेटी के जाने की वजह से माँ काफ़ी गम में है। एक चीज़ और आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि बेटों से, बच्चों से हमेशा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी बच्चों के साथ मित्रता जैसी भाव रखनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह से वे गलत कदम ना उठाएं। आज एक बेटी ने गलत कदम उठाया, शायद यही कारण है कि आज एक माँ को रोना पड़ रहा है। और माँ जो है कि कमाने जाती थी, उस बेटी को छोड़ कर जाती थी, वो 12 साल की उम्र में पूरा घर संभालती थी ना। भाई बहन थे सब? कितने बच्चे हैं? चार, तीन बहन एक भाई था। तीन बहन एक भाई थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे बड़ी थी, यही कारण है कि आज घर में सबसे ज़्यादा समस्या इनके है। आज रो रो के इनका बुरा हाल है। बच्चों से गुजारा से इस तरह से जिद ना करे। 50 रुपये के लिए उसने सुसाइड किया है ना? जी सर। अब हम किसके पर छोड़ के हम जाएंगे कमाने? कैसे हम बच्चन को पालेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे किराया भाड़ा हम देंगे? क्या नाम है आपका? अनीता देवी है सर। देखिए, अनीता देवी बच्चे की जो है माँ है। इनका सबसे बड़ा बात यह है कि इनकी पूरी जिम्मेदारी इनके घर की इनकी बेटी भी थी। आज बेटी दुनिया से छोड़ गई है। आज ये माँ जो है कि घरों में बर्तन माँज माँज के रोजी रोटी का जुगाड़ करती हैं, लेकिन आज इनके पास ऐसा संकट आया है कि आज ये जो इनके अरूरों को बुरा हाल है। फिलहाल इनसे बात करने का प्रयास अब नहीं करेंगे। इनके पड़ोसी हैं, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता सरोज। अनीता सरोज, बताइए कि अनीता जी की आप लोग जानती थी उस लड़की से, क्या उस लड़की के बारे में आप दो शब्द बता सकते हैं? भाई साहब, वो लड़की तो ऐसी थी कि गेट से कभी बाहर नहीं निकलती थी। हमारे बच्चों के साथ उनकी बच्चों सारी खेलती थी, घर में आती थी, सब बच्चों को खिलाती थी, पिलाती, जो भी कुछ बनाती थी सबको मिल बांट के खिलाती थी वो। कहीं ना कहीं उस बच्ची के जाने का गम आप लोग को भी है? यार, गम कह रहे हैं कि हम लोग को करेजा दहल रहा है उसके लिए। उसकी बच्ची गई, मर कलेजा हम लोग को दहल रहा है। हम उसको अपने हाथ से पूरा तहियाए हैं, पूरे अपने हाथ से उसको सिलाई किए, ले जाके हम उसको लेटाए वहाँ पे। हम थे और एक भाभी थी और उनके साथ, इनको तो हिम्मत नहीं थी छूने के लिए।
हम ही लोग उठाए। माँ है मगर परिवार के साथ कुछ भी हो जाता है, बच्चों के साथ तो माँ के लिए बहुत कठिन होता है। उस पल में ढांढस बनाना जिस पल में उनकी बेटी या बेटा गुजर जाए, क्या करें आप? हम तो तुरंत आए, पहले तो अपना बेटी के लेके चिल्ला रही हैं, हम मुंह पर उसका पीट रहे हैं, हाथ का नारी टो रहे हैं कि इसको क्या हुआ, देख रहे तो खत्म हो गई। हम बोले अभी तो खत्म हो गई नहीं है कोई। पहले झगड़ा वगड़ा नहीं ना करती थी, छोटी सी उम्र थी 12 साल की, अब बताइए कि कभी झगड़ा वगड़ा नहीं करती? मतलब जीत ने जान ले लिया? बस उसकी जीत, वही भाई 50 रुपया ले लिया, बस वही जिद में, बस उसको वही जिद खा गया कि 50 रुपये उसको काहे दी, हमको दे दो। बस उसकी बहुत जिद्दी थी, पैसे के लिए बहुत जिद करती थी, ऐ देती भी थी बेचारी। दिन भर 5:30 बजे भोर से निकल के काम करती थी, शाम 4 आती थी, सारा दिन काम करती थी। अच्छा बताइए कि घटना किस दिन की है? कल क्या तारीख रहा? 23। 23 तारीख को ये घटना हुआ है बेटी के साथ और बेटी ने सुसाइड किया है, 23 तारीख था। और ये बताइए कि कितने बजे की घटना है? 3 बजे। 3 बजे मतलब दोपहर की? 3 बजे दोपहर को। अच्छा, उस वक्त मतलब घर पे कोई नहीं था? नहीं, घर पे कोई नहीं, क्या हम लोग थे, जाने वाले थे काम पे, अब वही निकलने का हम लोग का टाइम हो रहा था कि 3 बजे हम लोग निकल जाए, तो ये बाहर बैठी थी, हम अपने अपने घर में बैठे थे। उस वक्त यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था? नहीं, अंदर कोई नहीं था, सब लोग बाहर था। मतलब कि अंदर कोई मौजूद न रहने की वजह से उसने मौके का फायदा उठाया और जीत ने जिद में आके सुसाइड कर ली। जिद में आके सुसाइड कर ली वो।